अगली खबर का रुख रायपुर से करेंगे, जहां पर जूड़ा की हड़ताल को लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि वे काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति मानते हुए उनकी शिक्षा की अवधि में 6 महीने की वृद्धि की जाएगी। प्रशासन ने हड़ताल वासी डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास खाली करने की भी बात कही है, और ऐसा नहीं करने पर उनसे जबरन हॉस्टल खाली करवाया जाएगा। डॉक्टरों की हड़ताल का 6वां दिन है, हालांकि इसी बीच इन्हों को और नोटिस मिला है कि वो अपने हड़ताल खत्म करके अपना ड्यूटी ज्वाइन करें, और इस वक्त हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि नोटिस के बाद उनके अगला कदम क्या होगा। आज आपका हड़ताल का 6वां दिन है, हालांकि नोटिस मिला है आपको, आगे की रणनीति क्या होगी आपको? हम आज पीछे नहीं हटेंगे, हमने ठान लिया है जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं हो जाएगी हम नहीं हटने वाले अभी तक पीछे, और जो भी हम हर टाइप से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से बात की जाए, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते, हमारे भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कोई निर्णय सरकार को तुरंत लेना चाहिए। तो अभी आपने सुना जूनियर डॉक्टरों का, जिनका कहना है कि हमें हालांकि नोटिस जारी कर दिया गया, हमें नोटिस की परवाह नहीं है, चाहे हमें किसी भी तरह की हम पर कार्रवाई करें, लेकिन हम हड़ताल से जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती। कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।